तो दिन की शुरुआत फिर अपने लड्डू गोपाल जी के साथ, और ये आराम से यहाँ पर बैठे हुए, ठंड है और आप देख सकते हैं ठंड के कपड़े पहने हुए हैं। मौज आ रही है, मौज आ भी रही है ऐसी वक्त कट रहा है। राम राम जी। तो आज मॉर्निंग वॉक करने के लिए हम आए हुए पार्क में, और दिल्ली में पड़ी है कड़ाके की ठंड। तो आप देख सकते हैं मौसम बड़ा खराब है, दिल्ली में जो कड़ाके की ठंड पड़ी है, एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है, ओवरवेट होता जा रहा है, तो एक्सरसाइज करने आए। बाकी घर पे ही रहना, आज मौसम ख़राब है। तो अभी आपको दिखाते हैं पार्क अपना यहाँ पे। तो आरुष भी आया मेरे साथ आज मॉर्निंग वॉक करने। हाँ जी, कुछ बोलिए बोलिए बोलिए। तो ये कुछ बोल नहीं रहा है, शर्मा रहा है, क्योंकि गाना सुनता है ना, शर्मा गई क्या, शर्मा गई क्या। तो अभी शर्मा रहा है। तो मॉर्निंग वॉक करो यार, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, मॉर्निंग वॉक करो। खींच अपनी तरह। ओ करो करो करो, ये हो नहीं रहा, उठा अपना, वेट भी नहीं उठ रहा तुमसे यार। अरे अपना वेट ही नहीं उठ रहा इससे, क्या हो गया आरुष, मजा आ रहा है? मैं कर रहे हैं, खेला जा रहा है। अभी हम लोग निकल रहे हैं घर, तो रनिंग हो गई है, मॉर्निंग वॉक हो गई है। तो अभी घर जाके करते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि ठंड बढ़ रही है धीरे धीरे, मौसम भी खराब है। अभी हम टैक्स अपना हाउस टैक्स जमा कराने के लिए आए हुए हैं, और ये लगा हुआ है यहाँ पर हाउस टैक्स के लिए, रीना महेश्वरी जी ने लगवाया हुआ है। तो आप आइए और फ़ायदा उठाइए। और ये हैं संजय जी, बीजेपी के बहुत मुख्य कार्यकर्ता, दिल्ली के अध्यक्ष। मुझे मतलब हाउस टैक्स अभी हम भर रहे हैं, यहाँ पे हाउस टैक्स का कैंप लगा हुआ है। और ये हैं हमारे निगम पार्षद जी और संजय जी। तो अभी हमारा हाउस टैक्स जमा हो गया आज। तो ये संजय जी बीजेपी के कार्यकर्ता, बहुत ही खतरनाक कार्यकर्ता है, तो आज इन्होंने हमारा आवश्यक जमा करा दिया है। तो अभी हम निकल रहे घर की तरफ। तो आज दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो अभी हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, वो भी आज बैठ पे ही हो रहा है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद चलते हैं आज, देखते हैं शोरूम पर चलेंगे, क्योंकि बारिश हो रही है अभी, बारिश बंद होगी तो फिर हम लोग चलते हैं। तो आज ब्रेकफास्ट में हम लोगों को आ गया है पोहा, पोहा चाय और बिस्किट। आरुष जी भी आ गए ब्रेकफास्ट के लिए नहा के, अभी ये कपड़े चेंज कर रहे हैं, और इनका देखिए, आरुष को पोहा देख रहा है, पोहा आरुष को देख रहा है, आरुष को पोहा देख रहा है, पोहा आरुष को देख रहा है। जल्दी बैठ जा। और ड्राइंग रूम में कोई भी जाके नहीं खा रहा, वहां पे सब बेड पे खा रहे, इनको लग रही है ज्यादा ठंड। तो रूम है गर्म, और दिल्ली की ठंडी ठंडी हवाओं में एसी चलाने का मजा ही अलग आएगा। एसी चला दो भाई। तो अभी हम जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, शेविंग विंग बना के तैयार होते हैं, देखते हैं आगे निकलते हैं शोरूम पर। तो अभी कर लेते हैं लंच, और लंच करके निकलते हैं बाहर। मौसम सुबह से खराब था, अभी शायद बारिश रुक गई है, तो अभी चलते हैं बाहर, घटा हो रही है। और लाइट हम आज थोड़ा सा लाइट लंच करेंगे, जो बॉडी के लिए भी ठीक रहे, क्योंकि ब्रेकफास्ट बहुत हैवी होने लगा है आजकल, पराठे मक्खन, और सर्दी में मज़ा भी आता है ये सब चीज़ें खा के। रोटी लेनी है? नहीं रोटी नहीं, आज वैसी हैवी हो गया पराठे। तो अभी आगे दाल चावल, यार अभी खाते हैं हम दाल चावल, रेडी हो चुके हैं हम, उसके बाद चलते हैं अपने काम पे आगे। तो बारिश की वजह से यार सारा प्रोग्राम हमारा कैंसिल हो गया है, तो आज घर पे ही रहे, तैयार होके बैठ गए थे घर पे। तो अभी बारिश बंद हुई है, शाम हो गई है,
तो अभी शॉपिंग पे जा रहे हैं, तो मैडम अभी आ रही हैं ऊपर से, तो कर लेते हैं थोड़ी शॉपिंग। सारी मीटिंग कैंसिल हो गई, तो अब गाड़ी निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो अभी स्कूटी पे चलते हैं मार्केट। तो अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, तो चलाओ स्कूटी। तू ही चलाएगी, मैं चलाऊँगा। पानी पानी, तो ये है दिल्ली का हाल बारिशों में। जरा सी बारिश है तो ये हमारे काम भी ख़त्म कर दिए, और अब अंधेरा होने वाला है, तो हम निकल गए मार्केट के लिए। इसका वो है ना, ये खोलना। इनका स्टॉल भी पूरा। साइज क्या है? एल। चलते हैं अभी आगे, तो शॉपिंग होगी बहुत सारी। और आरुष क्या कर रहा है देखते हैं। हाँ नमस्ते, कौन करेगा? बोल गया नहीं, नमस्ते। तो फालतू का हो गया खर्चा, जिसका कोई नहीं होगा चर्चा। हमारी शाम की चाय आ चुकी है, और उसकी शाम की चाय आ चुकी है, सो के उठे हैं बैसर ठंड में, और पकौड़े आरुष की तरफ देख रहे हैं, और आरुष पकौड़े की तरफ, पकौड़े आरुष की तरफ देख रहे हैं, आरुष पकौड़े की तरफ, पकौड़े आरुष, पकौड़े आरुष। मिलेगा आपसे, मीटिंग करेगा आगे, ध्यान रखना। आरुष जी डाल के दे रहे पानी, आराम से बेटा, सारे बिखेर दिया। ये क्या पहन रखा तूने लड़की वाला? ज्यादा ही सर्दी लग रही तेरे को भी, भाग गया। तो ये रिया भी ट्राई कर रही है अपने कपड़े। हाँ गर्ल्स की है वो, गर्ल्स की। आज बनाया गाजर का हलवा, तो अभी हम खाएंगे हलवा। गाजर का हलवा खाएगी? नहीं खाएगी, चल मत खा, दे भी नहीं रहा मैं तुझे। लड्डू गोपाल की ड्रेस बनवाई है, ये इसके अच्छे साथ मुकुट है। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस, और एक लड्डू ये भी है, तो एक छोटे लड्डू गोपाल की भी है, वो राधा रानी की। राधा रानी की कौन सा ऐड होगी? ये वाला हाँ, लड़ाई करता तू है। हाँ ये तो है खतरनाक है, तेरी आंखें मस्त है। वो वहाँ ले गया उसको, क्या करना, ये नहीं लेना फिर। तुम डर क्यों? तो अभी हम प्लान कर रहे हैं अपने पेट के लिए, तो आरुष ने डॉग देख रहा है तर, और उसमें स्टडी कर रहा है कौन सा लेना चाहिए। कहाँ पे किया तूने मैच? अबे भाई कितना गेम खेलते हैं, गेम ही खेलते रहते, पढ़ते ही नहीं आजकल के बच्चे यार, लगता है पीटना पड़ेगा। तो आरुष जी फिट कर रहे हैं अपनी वीडियो एडिट, यहाँ कंप्यूटर में लगे हुए हैं। अच्छा इसमें करिए फोन में। हाँ। अच्छा अब कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर से वीडियो लेके था पानी। ठीक है, कुछ आता भी है ऐसे टाइम पास कर रहे हैं? मतलब काम वाम आता कंप्यूटर पे ऐसी खाली वेली? हाँ, क्या आता है? क्या कर एक्सेल पे प्रॉफिट एंड लॉस की शीट बना क्या हो टाइट अभी जोगी पता नहीं है, काटा नहीं, पटा पटा करो। ये क्या निकल रहा है? ये निकल रहा है व्हाइट मक्खन, जो मैं रोज परांठे में खाता हूँ।
तो खा के अपनी बॉडी बनाता हूँ। अभी वो भी उसका भी मक्खन निकल रही है। ये देखो मलाई जमाओ घर में और प्योर मक्खन आप निकालो ऐसे और रोज खाओ। अभी निकलेगा मक्खन और खा खा के यहाँ से बॉडी बनेगी यहाँ से, क्योंकि जिम है बंद और जिम हम जाते भी नहीं अब, तो मक्खन खा के बॉडी बनाएंगे पेट की तरफ से। तो अभी व्हाइट मक्खन हो गया रेडी और ये देखिए जो दूध में से मलाई निकलती है ना उसको हम लोगों ने थोड़ा सा बचाया सेव किया और ये व्हाइट मक्खन सर्दियों का अरेंजमेंट कर लिया है और ये अब रोज चलेंगे पराठे पराठे। थोड़ा सा मक्खन हम निकाल लेंगे और इसका घी बना लेंगे। हाँ। क्योंकि इतने दिन तो हम इसको मक्खन को रख नहीं सकते ना, खराब हो जाएगा, खट्टा बना जाता है, खट्टा बना जाएगा। अच्छा जी। हाँ, तो हम ताजी मलाई का निकाल लेते हैं जब हमें खाना होता है। अब तो हमने खट्टी जो मलाई करी थी उसका निकाला है तो हम निकाल लेंगे। दो दिन तो खा ही सकते हैं पराठों के साथ और वैसे हम, और सबसे पहले तो कान्हा जी खाएंगे। हाँ, उन्हीं को भूख लगेगी। सारा मक्खन है वो आगे आगे देखो गाँव बसानी भिखारी पहले आगे। ये सारा मैं खा लियो। अभी आरुष खाएगा अपनी बॉडी बनाएगा, ये वाली बॉडी बनाएगा तू मोटे। अभी तो चिंगम खाऊं। चिंगम नहीं खाते, गंदी बात होती है। से चिंगम खानी बहुत ही गंदी बात है। अब इसका बनेगा घी। बराबर जल्दी बना। तो फाइनली ये देखिए हमारा देसी घी निकल गया, प्योर देसी घी। और व्हाइट मक्खन अलग कर लिया हमने, वो कुछ दिन हम चलाएंगे और ऐसे ही हम अपने घर में प्योर देसी घी निकालते हैं व्हाइट मक्खन। और ये क्या है? ये जो बच जाता है थोड़ा सा खोआ, ये खोआ भी बच गया थोड़ा सा, ये बच गया। इसको हम निकाल देंगे और हमारे हलवा रखा उसमें मिला के खा लेंगे। राजा के हलवे में खाएंगे भाई मिला के हम बेहतरीन तरीके। तो अभी यहाँ पर देख रहे हैं सब हॉरर मूवी। और आरो डर रहा है लॉइन से। आज का व्लॉग ये था, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और अब व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूले। बस आज का व्लॉग ये था, बड़ा का नमस्ते छोटू को, बाय। ये फ्री फायर वालों से गेम बंद कराना मुझे। हाँ, ठीक है।